असल वरह वर्किन हजात कैसे हैं आप सब आई होप आप सब खैरियत से होंगे सिटी को लिए वे कपल बंस हो गए हैं तो आज इसके बारे में आप लोगों से कुछ बातें करनी है कुछ सजेशन भी लेते हैं आप लोगों की ये कपल बंस बात बैक जो है मैंने कपल बंस बैक मैंने ये गाड़ी परचेज की थी 2006 ये फर्स्ट ऑर्डर गाड़ी है और अगर हम बात करें बॉडी वाइज और एवरी इसकी बहुत परफेक्ट है मतलब माइनर टचअप जो हर गाड़ी में होते हैं वो इसमें हैं भी आप देख लें डोंट फॉरगेट टू से माशा तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं सिंस ये एक फर्स्ट ऑर्डर गाड़ी है तो 2006 से लेकर अभी 2022 तक ये गाड़ी अपने ओरिजिनल इंजन पर चल रही है और अगर आप इसको इसकी माइलेज के में बारे में आपको मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी वेल मेंटेन रही है और होंडा से भी रही है फिर आगे डीलरशिप जो थी बड़ी अच्छी अफोर्डेबल डीलरशिप से जो है उनके सर्विस से सेंटर से इसका काम होता रहा है। तो अगर मैं आपको इसका करंट माइलेज दिखाऊं इसकी तो ये आप देख सकते हैं कि तीन लाख नौ हजार किलोमीटर चल चुकी है जो कि एक सूटेबल आप कह सकते हैं एक इंजन आ, बल्कि चलाना चाहें तो आप इसको पाँच लाख और ऊपर लेके जा सकते हैं लेकिन एट द मोमेंट क्योंकि जब मुझे याद है मैंने अपना सिवे का इंजन स्वैप किया था अराउंड वो चल गया था दो सवा दो लाख चल गया था तो मुझे स्वैप करना बेहतर लगा क्योंकि ऑब्वियसली वो जो नए इंजन की या तकरीबन डेढ़ लाख की जो फील होती है जो गाड़ी स्मूथली और पिक में किसी किस्म का जर्क और किसी किस्म का इशू नहीं आता तो वो चीज़ है ऑल दो वो भी गाड़ी दुआ नहीं मार रही थी आ, लेकिन मुझे फिर भी मुझे इंजन स्वैप कराना था क्योंकि एक मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन थी इस गाड़ी के साथ भी यही हिसाब है ना एक क्या नाम है गाड़ी काला धुआं मार रही है ना किसी किस्म का धुआं नहीं मार रही है पिक भी इसकी ठीक है हाँ ऑयली गाड़ी जो है वो कम करती है ऑब्वियसली क्योंकि इंजन इतना चल चुका है अब उसका बनता भी है तो स्पार्क प्लग्स वगैरह सब कुछ मैंने ऐड करवा तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं या तो मैं इस गाड़ी की जो रिंग रिंगे होती हैं जिसको आप कहते हैं वो रिप्लेस करवा सकता हूँ द सेकेंड ऑप्शन इज कि मैं इस गाड़ी का ओवरऑल करा सकता हूँ अब ओवरऑल कराने में इस गाड़ी का ज़्यादा खर्चा आ जाता है आप कहें तो उससे ज़्यादा खर्चा आपका हो जाएगा इंजन स्वैप कराने से सो so, अभी जो लास्टली मेरा माइंड बन रहा है वो ये मैं चाह रहा हूँ कि इसका डायरेक्टली मैं इंजन लगा लूँ इस गाड़ी से और दूसरा इंजन इसमें स्वैप कर लूँ तो आप लोगों की सजेशन मुझे चाहिए कि क्या मुझे इस गाड़ी का इंजन स्वैप कराना चाहिए नहीं बाकी दिस कार इज प्रटी परफेक्ट इसका आप कह सकते हैं ये वाहिद गाड़ी मतलब अगर मैं सिविक जो मेरे माइंड में थी ईगल शेप वाली मैं लेना चाह रहा था मैंने डिस्क्लोज नहीं किया आपको तो वो मैं ईगल शेप uh, गाड़ी भी लेना चाह रहा था लेकिन मैंने वो गाड़ी इसी वजह से जो है छोड़ी क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में और पेट्रोल एवरेज में वो गाड़ी थोड़ी मार गा लेती है अगर आप रखिए इस तीन लाख की एवरेज के साथ भी एलेवन पॉइंट फाइव से ट्वेल्व किलोमीटर की मुझे एवरेज प्रोवाइड करी विच इज़ प्रति डिसेंट बहुत अच्छी एवरेज है सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये इसका इंजन एक दफ़ा डल जाएगा तो वो कितना सूटेबल होगा इंटीरियर भी इसका बहुत अच्छी कंडीशन में आफ्टर मार्केट इसका स्क्रीन लग गया सी के अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाएंगे तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सो स्वैप दिस इंजन थोड़ा सा आपको मैं ट्रॉटल सुनाता हूँ इसका सो दैट्स प्रीटी मच इट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट और आई एम थिंकिंग अबाउट गिविंग दिस कार अ निकनेम Uh, how about we call it पारो? गाड़ी के साथ ना एक अपनाट सी, सी होती है अपनी मोहब्बत सी होती है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है और मैं प्रॉपरली इस पर थोरली अपना जहन बना लेता हूँ तो और वही सिवे की तरह इसकी कंप्लीट सीरीज पर आएगी आप लोगों के लिए अल्लाह हाफिज